नमस्कार एंड हेलो एवरीवन वेलकम टू स्किल्स बाय एमबीए प्लस आप चाहे एंटरप्रेन्योर हो या फिर स्टूडेंट अगर आपको सफलता चाहिए इफ यू वांट टू बी रियली रियली सक्सेसफुल इन लाइफ द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज स्किल्स इज इक्वल टू सक्सेस दैट्स ऑल आप दुनिया के किसी भी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इंसान से पूछ लीजिए कि उसकी सफलता का कारण क्या है क्या वो पैसे के पीछे भागे नहीं दे दैट दे इन्वेस्टेड इन स्किल्स उन्होंने अपना पैसा और अपना समय ये दो सबसे क्रिटिकल जो रिसोर्सेस होते हैं किसी के पास भी वो लगाए स्किल्स बिल्ड करने में एक्सट्रीमली वैल्यूएबल स्किल्स बिल्ड करने में एंड ऑफ कोर्स जो भी जितनी जल्दी अपने जीवन में स्किल्स बिल्ड कर लेता है वो उतना ही आगे बढ़ जाता है सफलता इतनी ही आसान है इट इज एज सिंपल एज दैट नाउ अ लॉट ऑफ अस डोंट एक्चुअली फोकस ऑन स्किल्स लेकिन अब स्किल्स बाय एमबीए प्लस इंश्योर करेगा कि चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो या फिर आप स्टूडेंट हो आपको रेलेवेंट स्किल्स मिलेंगी वो स्किल्स जो आपको फ्यूचर के लिए तैयार करेंगी वो स्किल्स जो आपको स्ट्रांग इंडिविजुअल बनाएंगी वो स्किल्स जो आपको सफल यानी एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल बनाएंगी सो द फर्स्ट पर्सन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज स्किल्स फॉर आंट्रप्रन एक आंट्रप्रनोर को सफल होने के लिए स्पेशली एक अर्ली स्टेज स्टेजर कोई ऐसा इंसान जो अभी स्टार्ट ही करने जा रहा है या स्टार्टअप करने की सोच रहा है या जिसका बिजनेस अभी बहुत छोटा है एक छोटे लेवल का बिजनेस है है उस इंसान को अगर सफल होना है, तो उसको क्या स्किल्स चाहिए सबसे पहली स्किल उसको चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग विद क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी कोई भी इंसान जो ह्यूजली सक्सेसफुल है आज अपने जीवन में वो केवल इस कारण से सक्सेसफुल है अपने लाइफ में कि उसने हर एक प्रॉब्लम को क्रिएटिवली सॉल्व किया जैसे इलोन मस्क ने किया जैसे रतन टाटा ने किया जैसे विजय शेखर शर्मा ने किया आप किसी भी अच्छे आंट्रप्र को उठा लीजिए उन्होंने बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को क्रिएटिविटी के साथ सॉल्व किया होगा आप किसी भी बहुत ही सफल एम्प्लॉय को उठा लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप उससे पूछिए जरूरी नहीं है कि उस एम्प्लॉय के पास बहुत सारी डिग्रीज हो या बहुत सारे डिप्लोमास हो जैसे इलोन मस्क कोई बड़े हार्वर्ड येल से तो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन फिर भी

उसको अच्छे जवाब मिलते हैं और वही आगे बढ़ता है इट्स एस सिंपल एज दैट हम में से बहुत सारे लोग ऑंट्रप्रनर तो बनना चाहते हैं लेकिन हम अच्छे सवाल नहीं पूछते क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सवाल पूछने से डराया जाता है हमें बोला जाता है दैट सच ए डम क्वेश्चन इट इज लेकिन स्किल्स बाय एम बी प्लस हमारे इकोसिस्टम में जब आप आते हैं हम आपको सिखाते हैं कि सवाल पूछिए जितने सवाल हो सकते हैं पूछिए चाहे आपको लगे वो डम क्वेश्चन है फिर भी पूछिए आप जितने ज्यादा सवाल पूछेंगे ना आपको उतने ही ज्यादा और उतने ही अच्छे आंसर मिलते जाएंगे और जितने अच्छे आंसर उतनी आपकी प्रगति उतना आपका सक्सेस इट इज एज सिंपल एज दैट वी आर गोइंग टू लिटरली ट्रेन यू ऑन दिस नंबर थ्री पावरफुल कम्युनिकेशन अगर आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन आप उसके बारे में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं यू आर नॉट एबल टू टेल पीपल हाउ वैल्यूएबल दैट प्रोडक्ट इज हाउ वैल्यूएबल दैट सॉल्यूशन इज अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉग नहीं है ना यू नेवर बी एबल टू बिकम सक्सेसफुल एंड दैट इज कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है आज के जमाने में तो बहुत ही क्रिटिकल है सोशल मीडिया के टाइम में तो और भी ज्यादा क्रिटिकल है सो हाउ डू यू बिकम अ पावरफुल कम्युनिकेटर यू विल लर्न इन स्किल्स बाय बी ए प्लास देन रिसोर्सफुलनेस किसी भी आंट्रप्रीनोर के लिए स्पेशली वो इंसान जो स्टार्टअप कर रहा है वेन यू आर एट योर अर्ली स्टेजेस इन बिजनेस यू हैव टू बी हाईली रिसोर्सफुल ह्यूजली रिसोर्सफुल रिसोर्सफुल इन टर्म्स ऑफ मनी पीपल एंड टाइम यानी लोग पैसा और समय इन तीन रिसोर्सेस को आप अगर इकट्ठा कर पाएंगे तभी आप एक बहुत सक्सेसफुल आंट्रप्रीनोर बन पाएंगे अदरवाइज नहीं एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड टुडे सम ऑफ द फाइनेस्टरप्रीनर ऑफ द वर्ल्ड आर ह्यूजली रिसोर्सफुल वो लोग बहाने नहीं करते कि हमारे पास ये नहीं है या वो नहीं है वो जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उसी में से सक्सेस क्रिएट कर देते हैं लास्ट विच इज नंबर फाइव इज लेवरेज फीडबैक फीडबैक दे से इज द ब्रेकफेस्ट लंच एंड डिनर ऑफ चैंपियंस फीडबैक देना भी आना चाहिए और लेना भी आना चाहिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है बहुत सारे लोगों को फीडबैक ना देना आता है ना लेना आता है उनकी ईगो हर्ट हो जाती है जब उनको कोई फीडबैक देता है बहुत सारे लोगों को तो फीडबैक देना ही नहीं आता अब आप अगर एक अच्छे लीडर हैं यू विल ऑलवेज बी एबल टू गिव ग्रेट फीडबैक रेलिवेंट फीडबैक इन वेरी राइट को एक अच्छा दे पाएंगे. Well very, very fact, सिर्फ अपनी टीम्स को ही नहीं जब आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं तो आपको फीडबैक लेना होता है अपने कस्टमर से आप अगर अच्छा फीडबैक ले पाएंगे अपने कस्टमर से यू विल ऑलवेज ऑलवेज ग्रो फर्दर एंड फॉरवर्ड लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप पीछे रह जाएंगे तो ये वो पांच इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो आपको मिलती हैं नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्किल्स फॉर स्टूडेंट्स स्किल्स फॉर स्टूडेंट्स को हमने तीन लेवल्स में डिवाइड किया है लेवल वन लेवल टू एंड लेवल थ्री सबसे पहले मैं आपसे लेवल वन की बात करता हूं स्टूडेंट्स यंग होते हैं उनके जीवन में मेच्योरिटी बिल्ड होते होते थोड़ा समय लगता है इसीलिए इंटू थ्री डिफरेंट लेवल्स और हर एक लेवल कम से कम छह महीने का होता है ये छह से बारह महीने भी हो सकता है लेकिन छह महीने का तो डेफिनेटली होता है दैट इज फॉर श्योर क्योंकि स्किल्स बिल्ड करना ये कोई रातों रात का खेल नहीं होता यू नीड अ लॉट ऑफ करेज अफ डिटर्मिनेशन ऑफ कमिटमेंट अगर आपकी कमिटमेंट नहीं है स्किल्स बिल्ड करने की तो फिर भी हो ही नहीं पाएंगी तो सबसे पहला लेवल जो है स्टूडेंट्स का वो है हाउ डू यू बिकम एन ओरिजिनल थिंकर एंड अ ग्रेट कम्युनिकेटर हमें ऐसा लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को ओरिजिनल थिंकर होना बहुत जरूरी है और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर होना बहुत जरूरी है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले लेवल पे आपको तीन स्किल्स सिखाते हैं सबसे पहली माइंडफुल रीडिंग एंड एक्टिव लिसनिंग बहुत ज्यादा क्रिटिकल है आजकल लोग बोलने के लिए नहीं बोलते वो रिएक्ट करने के लिए बोलते हैं आजकल लोग रिएक्ट करने के लिए सुनते हैं लेकिन अगर आप एक अच्छे लिसनर बन जाए अगर आप माइंडफुल रीडर बन जाए तो आप देखेंगे कि आप किस संगत में किसी भी कम्युनिटी में खड़े होंगे पीपल वुड वुल वॉन्ट टू लिसन टू योर एडवाइस पीपल वु जेन्युअनली वॉन्ट टेक योर एडवाइस पीपल वुड जेन्यूअनली वॉन्ट टू लिसन टू यू योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड दैट इज वाई इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू बी एन एक्टिव लिसनर and a very mindful reader. We will develop this skill with you. Number two, problem solving with creativity and technology. This is extremely important for all the students out there. Unless and until you start seeing problems and start solving them with creativity, you will never grow. आज का जमाना वो नहीं है जहां पे आप किसी कंपनी में जाए नौकरी करने के लिए और आप बोलें मैं पांच करोड़ रुपए खर्च करूंगा और इतने यूजर्स ले आऊंगा वो तो कोई भी कर सकता है इंपॉर्टेंस इंसान को मिलती है जो ये बोलेगा मुझे पांच करोड़ रुपए नहीं चाहिए मुझे शायद सिर्फ चाहिए और और मैं उतना ही result create कर दूंगा अपनी creativity के और technology के द्वारा इंसान करेगा करोड़ करके। तो आप जो तीन करोड़ बचाएंगे ना वहीं पे आप भी वेल्थ बिल्ड करेंगे आपकी भी wealth build तो आप अगर एक स्टूडेंट हैं यू टू बिल्ड क्रिएटिविटी और आप देखिए अपने आसपास आज जितने भी सफल लोग हैं पीपल हु आर ग्रोइंग इन दे करियर दे आर ग्रोइंग बिकॉज ऑफ क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपकी आर्ट बहुत अच्छी है अब जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं जिनकी आर्ट अच्छी होती है वो कहते हैं मैं आर्टिस्ट बन जाता हूं मैं कोई इंटीरियर डेकोरेटर बन जाता हूं मैं फैशन डिजाइनर बन जाता हूं लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि आप अपनी आर्ट को हार्डवेयर बनाने में इंजीनियरिंग के साथ मिक्स कीजिए और आप कोई ऐसी मशीन बनाइए जिससे कि लोग बेहतर सुन सके अयरिंग एड आप कोई ऐसी मशीन बनाइए जिससे कि एयर पोल्यूशन आंसर हो सके सोचिए जरा मैंने पूरी गेम ही चेंज कर दी ना आपकी सो so, आपकी आर्ट बड़ी अच्छी है साथ में तो मैंने आपको कहा कि आप उसमें इंजीनियरिंग और हार्डवेयर मिक्स कीजिए एंड इमेजिन वॉट यू दैट इज वॉट वी टीच इन स्किल्स फॉर स्टूडेंट्स इन दिस इंटायर प्रोग्राम इन लेवल वन नंबर थ्री create and communicate original thoughts with commentary and debates ye creation aur communication bahut critical hai bahut sare students apne career mein isliye aage nahi badh pate you guys are not able to grow purely because you remain a consumer lekin agar aap dhyan se soche तो आज दुनिया के सबसे सफल सबसे successful लोग कौन है जिन्होंने कुछ create किया है For example, Ola, आज भाविश अग्रवाल is so successful because he's created something Vijay Shekhar sharma of atm he has created something elon musk has created something that's why they're so successful they're not just consumers like in students consumer banke jate hai, and that's the problem that's why they're never able to grow that's why they're never able to be super successful in life and that is extremely important for you number two is communication with commentary and debates it is extremely important for you to be able to communicate your original thoughts by pouring in your commentary on a certain subject or debating with people on a certain subject zaruri strongly commentary de aap ke debate kar that is when people will really start respecting you for your thought process now comes level number two for students

तब आप अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे सोशल मीडिया देखने में तब आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे इन आस्किंग बिग इंपॉर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको स्कूल या कॉलेज में सिखाई जाती है कि आप रट लीजिए किसी भी सवाल का जवाब उसको अपने एग्जाम के रिजल्ट में ले आइए गेट गुड मार्क्स गेट गुड रेड एंड यू आर टार्गेड एज अ ग्रेट वी डोंट फील सो एट स्किल्स प्रोग्राम ोग्राम स्टूडेंट्स, वी फील कि आपको प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग करनी जरूरी है रोट लर्निंग नहीं आपको प्रॉब्लम की समझ होनी चाहिए जब प्रॉब्लम्स की डीप समझ होगी तब आप सॉल्यूशंस पर अपने आप आएंगे या फिर आप अपने आसपास ऐसे लोगों को पाएंगे जो उन चीजों को सॉल्व कर रहे हैं लेकिन अगर आप केवल रोट लर्निंग करेंगे कि बुक में जो लिखा है वही सही है आप भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे यूल पार्ट ऑफ अ मैसेव लार्ज

रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपने आप में इट्स अ क्रिटिकल क्रिटिकल पीस इनफैक्ट मुझे लगता है कि इन इंडिया भारत देश में हम लोग आज टेक्नोलॉजी में और इंफ्रास्ट्रक्चर में इसलिए इतने पीछे हैं क्योंकि हमने रिसर्च और डेवलपमेंट में कभी इन्वेस्ट नहीं किया हमने अपने आई में अपने आई को अपने टॉप थिंकर्स को टॉप डूअर्स को कभी भी रिसर्च और डेवलपमेंट में अपना समय लगाने के लिए इंस्पायर नहीं किया उनको इतना पे ही नहीं किया हमने आर के रोल को सिर्फ एक लैब कोट पहनकर कुछ कुछ कहीं एक लैब में एक्सपेरिमेंट करने वाला रोल बना दिया एंड दैट इज वाई अ लॉड ऑफ पीपल डोंट इवन पुट द टाइम्स टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट वेर एज किसी भी कंट्री किसी भी इकोनॉमी uh, की ग्रोथ तभी होती है जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कारण यू क्रिएट ग्रेट सोल्यूशन फॉर एग्जाम्पल चंद्रयान फॉर एग्जाम्पल द आदित्य एलवन मिशन बाई इसरोप बिकॉज ऑफ ग्रेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट You 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 have to to really invest there, and that is what we will do for for you, in you, in level 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 of the skills program for students. Let's now move on to level three. Level three आप बनते हैं a क्विक डिसीजन मेकर विद एक्शन एंड clarity. हर वो इंसान आगे बढ़ता है अपनी लाइफ में जो तेजी से डिसीजंस ले पाता है क्लैरिटी के साथ और फिर उसको एक्शन कर पाता है सिर्फ डिसीजन लेने से भी बात नहीं बनती एक्शन करना इज करनाटेंट सो द फर्स्ट थिंग दैट यू विल लर्न हियर इज हाउ टू टेक क्विक डिसीजंस हाउ टू लीव योर फियर अवे हाउ टू मैनेज योर रिस्क नंबर 2 यू विल स्टार्ट लर्निंग हाउ टू लेवरेज फीडबैक फ्रॉम द रेलिवेंट इकोसिस्टम फ्रॉम द रेलिवेंट इकोसिस्टम दुनिया तो बहुत कुछ बोलती रहेगी आपको लेकिन हाउ आर यू लिसनिंग टू ओनली द मोस्ट रेलिवेंट वॉइस एंड नॉट द नॉइजेस you will be taught in level three of the skills programs for students. The third thing that you will be taught will be resourcefulness. As a student, आप अगर resourceful हो गए ना, तो आप जब तक अपनी नौकरी के स्टेज पर पहुंचोगे, you will be a phenomenal individual. Phenomenal individual. क्योंकि आपको resources को इकट्ठा करके काम करना आ जाएगा. और जिस इंसान के पास clarity होती है ना, वो इंसान तेजी से आगे बढ़ता है. मैं आप लोगों को एक बात बताऊं. If you are a student watching this video, आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा उनके करियर में अगर कभी भी एक डाउनफॉल आया होगा या उनके बिजनेस में कभी भी एक डाउनफॉल आया होगा केवल एक कारण से आया होगा उनको बस क्लैरिटी ही नहीं होगी कि करना क्या है मैं क्यों कर रहा हूं वॉट्स माई वाई वाई एम आई डूइंग दिस एंड दैट इज वॉट यू विल बी क्लियर विद वेन यू कम एंड बिकम पार्ट ऑफ द स्किल्स प्रोग्राम इकोसिस्टम जब आप हमारे इको सिस्टम में आएंगे दैट्स मैन यू विल बिकम सुपर 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 क्लियर यू नो वाई Because skills is equal to success, I told you right in the beginning of this presentation. Now let's talk about ki These skills, how will you get these skills? What are the, what are the programs? So, first of all, I will talk about Programs for entrepreneurs. There is just one single program for entrepreneurs that we have been running very successfully, very, very successfully. It's called the online bootcamp for entrepreneurs. This is a feedback from one of our bootcamp learners, Amit Katare, who is an entrepreneur from India. He says, the online bootcamp is designed such that it pushes me to take action. Gaining skills is of no value unless you take action. We do one class every week. Our cohort leader, Paritosh sir, has made us more disciplined. In my cohort, we have entrepreneurs from India, Nepal, and Canada. I highly recommend the boot camp. Yeh Amit Katare, hai, jo India. Se hai, aur ऑनलाइन बोट कैम्प कर रहे हैं इज अ फैसिनेटिंग गाय लेकिन अपने जीवन में बहुत खोए हुए थे इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं और तब इन्होंने अपना ऑनलाइन बोट कैंप ज्वाइन करने का डिसीजन लिया इन्होंने हमारा ऑनलाइन बोट कैंप ज्वाइन किया जिसमें हम क्या करते हैं हम आपको एक क्लियर आउटकम देते हैं हम आपको क्लैरिटी तो देते ही हैं हम आपको डिसीजन uh, मेकिंग की एबिलिटी भी देते हैं हम आपको बिजनेस की स्ट्रेटजीज तो सिखाते ही हैं लेकिन उसके बियॉन्ड सबसे क्रिटिकल है जो नंबर आपको क्लियरली दिखता है वो है यू लर्न हाउ टू ग्रो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सोशल मीडिया एट नो कॉस्ट बिना पैसा लगाए आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बढ़ाएंगे सोशल मीडिया पर ये सीखते हैं आप हमारे ऑनलाइन बुट डिस्ट्रीब्यूशन सबसे क्रिटिकल है आज अगर आज आपके यूट्यूब चैनल पर या सोशल मीडिया पर दो चार मिलियन लोग फॉलो कर रहे होते आपको तो ऑब्वियसली आपकी सेल्स बढ़ रही होती इट इज टोटली ऑब्वियस हाउ विल यू बिल्ड सच अ डिस्ट्रीब्यूशन एंड दैट टू ऑर्गेनिकली ये आप सीखते हैं इसके पांच इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट uh, बताता हूं सबसे पहले हर सैटरडे एक लाइव क्लास होती है लाइव मतलब लाइव लाइव क्लास नो रिकॉर्डेड नंबर वीक्स सोलह हफ्ते का यह प्रोग्राम है यानी चार महीने का यह प्रोग्राम है हम हर हफ्ते मिलते हैं और अगर हमें लगा कि सोलह हफ्ते से एक या दो हफ्ते थोड़ा एक्स्ट्रा और करना है तो वो भी हम करते हैं नंबर थ्री आपको वीकली असाइनमेंट्स दिए जाते हैं जो आपको करने ही होते हैं अगर आप असाइनमेंट्स नहीं करेंगे तो आपका अपना नुकसान है नंबर फोर ग्रोथ डैशबोर्ड मिलता है आपको जिसको आप भरते हैं जहां पे आप अपना इनपुट भी डालते हैं और फिर हमें समझ आता है कि आपका आउटपुट कहां है आप ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो आप भी देख पाते हैं खुद और नंबर कम्युनिटी आपके आसपास होती है टू टू एक्चुअली हेल्प हेल्प यू अदर अब आप जरा सोचिए अगर आप हमारे साथ एक ऐसे ऑनलाइन बोर्ड के कोहट में एक ऐसे बैच में होंगे जहां पे इंडिया से हैं नेपाल से हैं मे बी यू नो और जगहों से आंट्रप्रीनोर्स हैं जो आपके साथ बैठकर सीख रहे हैं तो आपका नेटवर्क तो बढ़ेगा ही आप उनसे सीख पाएंगे वो आपसे सीख पाएंगे एंड लेट मी टेल यू ये बूट कैंप सेशन जो हमारे होते हैं ये बहुत लिमिटेड होते हैं मैक्सिमम सीट्स किसी भी बूट कैंप में सौ से ज्यादा नहीं होती हम जनरली पचास सीट्स पर अपने बूट कैंप्स को बंद कर देते हैं इसलिए वी एव देम वेरी वेरी एक्सक्लूसिव वेरी हाईली वैल्यूएबल हम लोग भीड़ इकट्ठा करने में विश्वास नहीं रखते क्योंकि भीड़ में सिर्फ एंटरटेनमेंट होती है लर्निंग नहीं हो पाती भीड़ में बैठकर स्किल्स नहीं डेवलप हो सकती भीड़ में बैठकर सिर्फ एंटरटेनमेंट मिलती है तो अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप कहीं और जाइए अगर आपको जेन्युनली लर्निंग चाहिए अगर आप अपनी जेन्यून स्किल्स बिल्ड करना चाहते हैं तो आप स्किल्स के हमारे इकोसिस्टम में आइए हमारे ऑनलाइन बोट कैंप में आइए हमारा नेक्स्ट ऑनलाइन बोट कैंप शुरू होने जा रहा है अक्टूबर 2023 में अक्टूबर 2023 में सेप्टेंबर ट्वेंटी फिफ्थ इसकी लास्ट डेट है रजिस्टर करने की आपको मैं जल्दी ही अपना सपोर्ट लाइन नंबर दूंगा आप उस सपोर्ट लाइन नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए या मैसेज भेजिए तुरंत मैं कैसे रजिस्टर करूं इस ऑनलाइन बोर्ड कैम्प के लिए मैं एक यंग बिजनेस ओनर हूं मैं एक अर्ली स्टेज बिजनेस ओनर हूं या अपना बिजनेस शुरू कर चाहता हूं मैं एक ऑन्टरप्रोर बनना चाहता हूं और मैं ये ऑनलाइन बोर्ड कैम्प करना चाहता हूं तो प्लीज मुझे बताइए वे डू आई पे माई फीस राइट एंड वॉट एक्सैक्टली बुट कैम्प के बारे में तभी सोचिएगा जब आप जेन्यूनिट सीरियस है अपनी लाइफ में इन्वेस्ट करने के लिए क्योंकि आपका समय भी होगा और पैसा भी इन्वेस्ट होगा सो बी वेरी सीरियस अबाउट इट सिर्फ अगर टाइम पास करने के लिए आपको कोई क्वेरी पूछनी है तो मत पूछेगा अगर आप जेन्युनली सीरियस है ये ग्रोथ करने के लिए तभी पूछिएगा राइट आगे बढ़े फेंटेस्टिक अब आते हैं प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स पर मैंने कहा था लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री हर एक प्रोग्राम कम से कम छह महीने का है लेवल वन लेवल टू एंड लेवल थ्री का इन सारे ही प्रोग्राम्स में हम लाइव पढ़ाते हैं नंबर या तो सैटरडे को या संडे को एक से डेढ़ घंटे की हमारी क्लास होती है जहां पे हम स्टूडेंट्स के साथ लाइव एंगेज करते हैं नंबर टू यहां पे स्टूडेंट्स होते हैं दस साल की उम्र से लेकर बीस साल की उम्र तक यानी अर्ली कॉलेज स्टूडेंट्स स्कूल से लेकर अर्ली कॉलेज स्टूडेंट्स ध्यान से इस बात को समझिए वाई दिस इज सो इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज आप इस इंफॉर्मेशन से ये समझ पाएंगे कि क्या ये मेरे लिए बना है या नहीं बना गारेट आपको एक बात समझनी है कि स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो छह महीने लंबे होते हैं जो ऑंट्रप्रन के लिए हमारे पास प्रोग्राम्स हैं वो चार महीने के होते हैं वो इसलिए क्योंकि आंट्रप्रीनियस में ऑलरेडी एक लेवल की मेच्योरिटी आ चुकी है स्टूडेंट्स को अभी वो जर्नी लेनी बाकी है इसलिए वो छह महीने के होते हैं और अगर हम चाहें तो वो छह महीने से एक्सटेंड भी कर सकते हैं बिकॉज अनलेस वो स्किल बिल्डिंग हो वी विल नेवर 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 लाइक यू टू विली इनफैक्ट हमारा कहना बहुत बहुत सिंपल है और बहुत आसान है कि आप अगर स्किल्स बिल्ड करना चाहते हैं तो वी आर द इको सिस्टम फॉर यू स्किल्स इज द इको सिस्टम फॉर यू अगर आप एक आंट्रोप्रेनोर हैं या आंट्रप्रनोर बनना चाहते हैं या आप एक स्टूडेंट हैं इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड योर स्किल्स स्किल्स

They're highly priced, तो तभी आप क्वेरी कीजिएगा जब आप बहुत 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 ज्यादा सीरियस है अपनी लाइफ को लेकर और अपने सक्सेस को लेकर वी विल इन्वेस्ट इन यू बट फर्स्ट यू हैव टू इन्वेस्ट इन यूर सेल्फ राइट तो आपका कमिटमेंट लेवल बहुत हाई होना चाहिए यहां पे बहाने करने वाले लोगों की जगह नहीं है यहाँ पे कंफर्ट जोन में रहने वाले लोगों की बिल्कुल जगह नहीं है जस्ट रिमेंबर दैट वेरी क्लियरली स्किल्स इज इक्वल टू सक्सेस

हो सकता है ना हो हो सकता है आपके पास बाहर ट्रिप्स पे जाने का एक एनुअल बजट हो हो सकता है इंश्योरेंस खरीदने का एनुअल बजट हो हो सकता है गाड़ी खरीदने का एनुअल बजट हो, हो सकता है बच्चों को कुछ मस्ती कराने का एनुअल बजट हो लेकिन अगर आपके परिवार का एनुअल स्किलिंग बजट नहीं है तो आप एक बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूं मैंने अपने लेवल पर आज अपने परिवार का एक एनुअल स्किलिंग बजट रखा हुआ है पूरे साल का दो लाख रुपए का अभी सिर्फ दो लाख रुपए का रखा है इसको मैं कैसे डिवाइड करता हूं मैं और मेरी वाइफ हम लोग अपने ऊपर एक लाख रुपए स्पेंड करते हैं हर है साल टू इंश्योर दैट आर लर्निंग न्यू स्किल्स और फिर मेरे बच्चों के लिए एक लाख रुपए ये दिस इज अबर अब एंड बियॉन्ड देयर स्कूल एंड देयर एंड देयर कॉलेज सो जब तक आपका एनुअल स्किलिंग बजट नहीं है आपके पास यू आर नॉट सीरियस अबाउट ग्रोथ और इसलिए जब आप हमें कॉल करेंगे वेन यू विल कॉल अस और जब आप हमें व्हाट्सएप करेंगे सबसे पहला सवाल जो हम आपसे पूछेंगे वो यही होगा व्हाट्स योर एनुअल स्किलिंग बजट ऑफ यैमिली अगर आपके पास बजट नहीं है तो हमसे बात करके आपका वैसे भी जेन्यूनली कोई फायदा नहीं होगा द नंबर रिमेंबर नाइन सेवन वन सेवन जीरो टू जीरो एट जीरो थ्री स्किल्स

व टू हैव दस्ट फेथ इन स्किल्स दैट पारितो सर और उनके साथ के सारे के सारे ट्रेनर्स विल डिलीवर द ग्रेटेस्ट क्वालिटी स्किल्स फॉर यू डियर ऑन्टरप्रनर्स एंड फॉर यू डियर स्टूडेंट आई विल नाउ सी यू इन आवर प्रोग्राम हमारा पहला प्रोग्राम ऑनलाइन बोट कैंप ऑलरेडी चल रहा है उसका दूसरा वर्जन शुरू होने वाला है सेप्टेंबर ट्वेंटी फिफ्थ इज द लास्ट डेट टू रजिस्टर तो तुरंत रजिस्टर कर लीजिए और साथ में हमारा पहला बैच पहला कोह स्टूडेंट्स के लिए शुरू होने वाला है सेवनटीन इसकी रजिस्ट्रिंग की लास्ट डेट है टेंथ से उसके बाद आप इन दोनों बैचेस में नहीं आ पाएंगे यू विल ओनली बी एबल टू देन गेट इन टू द थर्ड और द फोर्थ एंड द बैचेस दैट वी विल डू हैंड फोर्थ आई विल नाउ सी यू इन आवर इकोसिस्टम। यहां पे सबसे बड़ा फायदा आपका ये होगा कि आपको रेलिवेंट स्किल्स मिलेंगी और साथ में आप अच्छे लोगों की संगत में आएंगे वो लोग जिनके पास अपनी फैमिली का एक जेन्यून स्किलिंग का बजट है यानी सीखना चाहते हैं और वो लोग जो सही स्किल्स लेकर आगे बढ़ रहे हैं अगर ऐसे लोगों की संगत में रहेंगे ना तो हमेशा जीवन में फायदा होगा दैट इज फॉर श्योर आई विल नाउ सी यू इन द स्किल्स इकोसिस्टम टेक केयर ऑफ येल्व बी सुपर सक्सेसफुल इन लाइफ डू ग्रेट फॉर योर फैमिली फॉर योर कंट्री एंड the world namaskar